भगवत गीता ज्ञान का वो सागर है जिसकी गहराई को नाप पाना या उसको समझ या समझा पाना हम जैसे अज्ञानियों के लिए संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अपने इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर भगवत गीता के उस ज्ञान रूपी सागर के कुछ ज्ञान की बूंदें अपने इस वीडियो में संजोने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। आज हम आपको बताने वाले हैं भगवत गीता के वो 20 श्लोक जो हम सबको जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। दोस्तों, हर धर्म का एक अलग ग्रंथ है जिसमें जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का हल छुपा हुआ है और यही ग्रंथ हमें एक बेहतर जीवन, एक बेहतर मनुष्य की तरह जीना सिखाते हैं। इन्हीं धर्म ग्रंथों में से एक है भगवत गीता, जिसमें हिंदुओं की गहरी आस्था है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। भगवत गीता के 18 अध्यायों में करीब 700 श्लोक में जीवन की हर समस्याओं का कारण और उनका समाधान है। गीता सिर्फ भारत की नहीं दुनिया को नई दिशा देने वाला ग्रंथ माना जाता है। तो चलिए आपको बतलाते हैं भगवत गीता के वो 20 श्लोक जो हम सबको जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। पहला श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, संदेह करना छोड़ दो। सदैव संदेह करने से व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही परलोक में। दूसरी ज्ञान की बात है, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तो उससे तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। तीसरी ज्ञान की बात है, मन की लगाम को अपने हाथों में रखो। भगवान कहते हैं, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। चौथी ज्ञान की बात है, उठो और मंजिल की तरफ बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहो और उठो और अपना कर्म करो। पांचवी ज्ञान की बात है, अपने विश्वास को अटल बनाओ। भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। गीता से मिली छठी ज्ञान की बात है, इन तीनों द्वारों से खुद को दूर रखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए, नरक के तीन ही द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच, सदा इनसे दूर रहो। सातवीं ज्ञान की बात है, हर एक पल कुछ सिखाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में हर समय कुछ ना कुछ नया होता है, इस जीवन में ना कुछ खोता है ना कुछ व्यर्थ होता है। आठवीं ज्ञान की बात है, अभ्यास आपको सफलता दिलाएगा। भगवान कहते हैं, मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से उसे भी बस में किया जा सकता है। नौवीं ज्ञान की बात है, सम्मान के साथ जियो। भगवान कहते हैं, लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। दसवीं ज्ञान की बात है, खुद पर विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर ध्यान लगाकर चिंतन करे। 11वीं बात है, कमजोर मत बनो। भगवान कहते हैं, हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। 12वीं ज्ञान की बात है, मृत्यु सत्य है और इसे नकारा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। 13वीं ज्ञान की बात है, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे खुद को तकलीफ हो। भगवान कहते हैं, अप्राकृतिक कर्म बहुत ज्यादा तनाव पैदा करती है, इसलिए ऐसे कर्म से दूर रहो जिससे खुद को तकलीफ महसूस हो। 14वीं ज्ञान की बात है, मेरे लिए सब एक समान हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और इस संसार से कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना कोई अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ।
15वें ज्ञान की बात है, बुद्धिमान बनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता है, वह अपने कर्म के प्रति हमेशा अग्रसर रहता है। 16वें ज्ञान की बात है, सभी मुझसे हैं। भगवान कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है और अंत में मुझ में ही समा जाएगी। 17वें ज्ञान की बात है, मैं प्रत्येक वस्तु में वास करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान प्रत्येक वस्तु में है, मैं सबके ऊपर भी हूँ। 18वें ज्ञान की बात है कि ज्ञान व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है। भगवान कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। 19वें ज्ञान की बात है, खुद का कार्य करो। भगवान कहते हैं, किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से क्यों ना करना पड़े। और 20वें ज्ञान की बात है, डर छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा, जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन की सच्चाइयों को भगवत गीता खुद में संजोए हुए है। अगर आप गीता के इन श्लोकों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो शायद ही आपको कभी असफलता का मुंह देखना पड़े। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।